Subscribe and press the bell icon for latest update. बीजेपी विधायक और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा से 327 मतों से चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौर ने जीत पर संदेह जारी करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस उम्मीदवार ने बताया कि 458 से अधिक वोट रद्द हो गए थे, निर्वाचन आयोग सही जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट कानूनी कार्रवाई करते हुए न्याय करेगा। कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौर ने बताया कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को 71,530 और मुझे 71,203 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार को 233 मतों से विजयी घोषित किया गया था। अश्विन राठौर ने कहा कि आयोग ने परिणाम की जो सीट दी थी उसमें बैलेट पेपर से 917 वोट बताए गए हैं, जबकि दोबारा सीट मांगने पर उसमें 1356 वोट लिखा गया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। PN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।